खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जीत पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। करंट अफेयर की क्लास में आज हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं और मुद्दे संबंधित पढ़ेंगे जो बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए देखते हैं सबसे पहले कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 का संवाद 23 किस स्थान पर हुआ, तो गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। ठीक है, एक प्रश्न ये भी आता है कि G20 का मेजबानी 23 में भारत ने किया, किस क्रम का था, तो 18वें क्रम का था, याद रखिएगा। 23 में अगर भारत में हुआ तो बताइए 22 में कहां हुआ था और 24 में कहां होगा, ये आप बताएंगे। ठीक है, 22 में आप जानते हैं इंडोनेशिया में होगा। प्रश्न ये आ सकता है कि पहला सम्मेलन कहां हुआ था, तो पहला सम्मेलन याद रखिएगा उदयपुर में हुआ था। आखिरी सम्मेलन G20 का कहां हुआ था, तो गुरुग्राम में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। और क्या रखेंगे इसके साथ कि G20 की अध्यक्षता में स्टार्टअप का संवाद 23 किस स्थान पर हुआ, गुरुग्राम में हुआ, और G20 का आखिरी सम्मेलन यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट आप देखेंगे, वर्तमान में राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, क्या नाम था उसका, गांधी दर्शन के नाम से, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2023 जो है आयोजन कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ। ठीक है, उसके बाद भारतीय वायुसेना का पश्चिमी वायु कमांड द्वारा शुरू वार्षिक अभ्यास, याद रखिएगा अलग अलग जोन का क्षेत्रों के हिसाब से दिशा के हिसाब से उनका है, जैसे इनका जो है एक पश्चिमी तट का पूछ रहा है, पूर्वी का भी अलग से नाम से होता है, पश्चिमी का अलग के नाम से है, तो यहाँ आप देखेंगे पश्चिमी का पूछा जा रहा है, तो पश्चिमी का क्या किस नाम से वायुसेना ने अभ्यास किया था, त्रिशूल के नाम से अभ्यास किया था, ये आप जाएंगे। ठीक है, वर्तमान CDS कौन है, अभी श्री अनिल चौहान जी है। ठीक है, CDS का फुल फॉर्म क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश VY चंद्रचूड़ द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया, उस पोर्टल का नाम क्या था, सुस्वागतम उस पोर्टल का नाम था। नेक्स्ट है लिस्बन घोषणा, याद रखेंगे लिस्बन घोषणा के इकाई के संरक्षण सब किस इकाई संरक्षण है, यानी पूछेगा लिस्बन घोषणा का संबंध किससे है, तो महासागरों से संबंधित है। 2023 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर, याद रखिएगा हस्ताक्षर किया था, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ उसने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, भारत के ये नाम याद रखेंगे आप, रुद्राज बाला साहेब पाटिल। ठीक है, रुद्राज बाला साहेब पाटिल का संबंध किस खेल से है, तो शूटिंग से है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या आ सकता है कि 23 में चर्चा में रहा नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान, जो चर्चा में रहता है वो पूछता है नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो नागालैंड में है। ठीक है, नागालैंड के एक प्रसिद्ध फेस्टिवल का नाम बताइए जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, भारत का सबसे बड़ा फेस्टिवल कहा जाता है। नेक्स्ट है 23 में अटलांटिक महासागर पर गहरे समुद्र में डूबने वाली पनडुब्बी का नाम टाइटन। ठीक है, टाइटन जहाज देखने गए थे लोग और डूब गया था ये। इसमें पूछेगा थालीवीप महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया, तो म्यांमार में मनाया गया, और थालीवीप महोत्सव याद रखेंगे। टेस्ला कंपनी के ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है, तो ऑप्टिमस, मतलब मानव का जैसा रोबोट बना है और टेस्ला कंपनी ने बनाया, तो उसका क्या नाम आप याद रखेंगे, जो है ऑप्टिमस याद रखिएगा। टेस्ला कंपनी किसका है, टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी किसका है, कमेंट बॉक्स में बताइए किसका है ये। नेक्स्ट है भारत के संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार, एकदम याद रखना है आपको, श्री विमल पटेल जी को याद रखना है। ठीक है, और राम मंदिर अयोध्या जो बन रहा है उसके वास्तु कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है याद रखिएगा, ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया, मध्य प्रदेश में। जब भी आपको जो ट्रांसजेंडर कहीं सफर में करते हुए कहीं मिल जाए तो जरूर जो है उन्हें 10-5 रुपए, कुछ 20 रुपए, कुछ जो भी पैसा आपको हो सके जरूर दे देना चाहिए, याद रखिए। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, 1 मॉडल पेपर में 30 प्रश्न हैं, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का YouTube पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 OMR की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये
में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बायलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है GKGS पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने GKGS के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस PDF5 टेस्ट, और 2014 से 21 तक सालवर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। आप उन्हें नहीं देंगे तो उनके कोई काम पे रखता नहीं है, आखिर उनकी जीवनोपार्जन कैसा होगा। और हृदय से भी ऐसे लोगों से अगर आप देके कुछ भी नहीं, आप बिना मांगे देंगे तो आपको ऐसा दुआ देते हैं, वो दुआ लग जाती है, याद रखिएगा। तो हमेशा देते रहना चाहिए, कभी भी आप जाइए तो। बारहवां देखिएगा, बारहवां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नाडी फिजी में हुआ, जिसका थीम था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। ठीक है, याद रखिएगा, थीम याद रखेंगे किसका, विश्व हिंदी सम्मेलन का 12 का, और कहाँ हुआ, नाडी फिजी में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 का आयोजन लखनऊ में हुआ, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ, जिसका थीम क्या था, भारत का विकास इंजन, आप याद रखेंगे। तीसवां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ, क्या आप याद रखेंगे, अहमदाबाद आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आपके एग्जाम में कुछ सम्मेलन के विषय में अक्सर पूछता है, सम्मेलन याद रखिएगा, सम्मेलन संबंधित क्या पूछेगा, सम्मेलन संबंधित थीम पूछ सकता है, आयोजन कहाँ हुआ, कौन उसके चीफ गेस्ट आए थे, ये पूछता है। कभी कभी पूछेगा उस सम्मेलन का क्रम क्या था। ठीक है, क्रम पे लास्ट में जोड़ दीजिएगा जो हम बताएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2 वर्ष पे, इसका क्रम याद रखिएगा, 17वां क्रम, स्थान कहाँ, इंदौर, मिनी मुंबई के नाम से इंदौर को जाना जाता है, और लगातार 6 वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर के नाम से ये आ रहा है इसका नाम, और इंदौर। उसके बाद चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि कौन थे, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, आपको बताना है किस देश से इनका संबंध है। थीम क्या था, थीम लोग नहीं याद करते हैं क्योंकि मन नहीं करता याद करने के लिए, टेढ़ा होता है, लंबा होता है। थीम क्या था प्रवासी दिवस का, डायस्पोरा, याद रखिएगा, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी, ये आपको थीम याद रखना है। उसके बाद CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन, जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। थीम क्या था, ऊर्जा संक्रमण एक अस्थायी कल के लिए समाधान। नेक्स्ट है जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा, कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। थीम क्या था, वाटर विजन एट द 2047। ठीक है, और अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन याद रखेंगे, ये कहाँ हुआ, सूरत में हुआ, और किसने किया था, इसका गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है ये आप याद रखेंगे, इसमें मेरे हिसाब से जरूर जो है G20 के विषय में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या क्या याद करना है ध्यान से देखेंगे, वैसे हिसाब से याद करिएगा। सबसे पहले देखिएगा ये G20 शिखर सम्मेलन का है, ये पूरा लिस्ट बना हुआ है। ये 2022 में कहाँ हुआ, 2022 में बाली इंडोनेशिया में हुआ, ठीक है, पिछले साल। और 24 में कहाँ हुआ, 23 में ये भारत में हुआ, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद सीधे आप आएंगे कहाँ, 24 में कहाँ, तो ब्राजील में, याद रखेंगे, 24 में कहाँ होगा, ब्राजील, ठीक है, 23 में भारत, और 22 में इंडोनेशिया। अब क्या याद रखेंगे देखिएगा, इस क्या पूछेगा, पूछेगा भारत में कहाँ हुआ, तो भारत मंडपम में, ये कहाँ है, नई दिल्ली में, नाम आ सकता है। भारत में किस क्रम का हुआ, तो 18वें क्रम का हुआ। अगर आपका 23 वाला 18वां क्रम याद है तो 22 वाला घटा के 17 बता सकते हैं, आपके जो 24 में कौन होगा 19 आप बता सकते हैं। ठीक है, तो विशेष जोर जो है 23 वाले पे देंगे, और 23 वाला ही पूछेगा। उसके बाद प्रथम G20 का प्रथम बैठक याद रखिएगा उदयपुर में है, अभी हमने बताया, और आखिरी बैठक कहाँ हुआ, आखिरी बैठक गुरुग्राम में, गुरुग्राम कहाँ,
हरियाणा में। पहले गुरुग्राम का नाम क्या था? गुड़गांव नाम था, ठीक है। उसके बाद शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा शिखर सम्मेलन थीम क्या था? तो वसुदेव कुटुंबकम, ये याद रखेंगे वसुदेव कुटुंबकम। ध्यान से आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से देखते ही आपको याद आ जाएगा और याद में आएगा, गलत नहीं होगा। थीम क्या था? वसुदेव कुटुंबकम, क्योंकि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। देखिए जितने भाव से कोई खाना बनाए ना वो खाना उतना ही टेस्टी होता है। मेरे कहने मतलब ये कंटेंट बिल्कुल भाव से मैं बनाता हूँ एकदम दिल की गहराई से कि आपको याद हो जाए, क्योंकि मैं ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में चाहता ही हूँ कि जिसको पढ़ाऊँ वो लड़के पहले सेलेक्ट हो, और कोई सिलेक्ट हो या ना हो जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ पहले सिलेक्शन ले ले, बाकी लोग बाद में ले, और बाकी लोग से मतलब नहीं रहता मुझे, ठीक है। इसलिए मैं इसको भाव से बनाता हूँ, आराम से पढ़िए, याद हो जाएगा, एग्जाम आते थे और एक्टिविटीज मेरी तेज हो जाएगी क्लास की और बिल्कुल रटवा देंगे आपको, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा एक सरे सब सरे सब सरे सब जाए, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो देखिएगा शिखर सम्मेलन अध्यक्षता किसने किया था? श्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और भारत के शेरपा याद रखिएगा अमिताभ कांत, ठीक है। और इसमें नया अस्थाई सदस्य शामिल हुआ, नाम क्या है? अफ्रीकन यूनियन, यानी G20 से अगली बार जब सम्मेलन होगा ये ब्राजील में तो G21 के नाम से होना चाहिए इसको, क्योंकि इसमें एक और देश शामिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं इसमें ब्रिक्स सम्मेलन पूछता है। ब्रिक्स सम्मेलन में कैसे आप याद रखिएगा? ऐसे याद रखेंगे ब्रिक्स ब्रिक्स याद रखिएगा, ठीक है। ये नाम भी ऐसा पड़ा है देश के नाम पे, जैसे बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। और इसमें कैसे होता है? ये इसी क्रम में होता है, देखो ऐसे क्रम में होता है हमेशा, और यहाँ तक हुआ फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा, यानी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है देखेंगे, 23 में आयोजन कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, सबसे अधिक सबसे बड़ा वहाँ खान है, ठीक है। उसके बाद थीम क्या था? ब्रिक्स और अफ्रीकी अफ्रीका, ब्रिक्स और अफ्रीका पारंपरिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपाक्ष के लिए साझेदारी, याद रखेंगे। अगर पूछ दे आपसे 23 में अगर कहाँ हुआ, ब्राजील में हुआ, अगर हुआ दक्षिण अफ्रीका में हुआ, यहाँ पे 23 में हुआ, आप देखिएगा फिर 24 में कहाँ हुआ, तो 24 में यहाँ ब्राजील लगाइएगा, ठीक है। पूछ दे 22 में तो चाइना, ऐसे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद छठवां हिंद महासागर सम्मेलन 2023, ठीक है, कहाँ हुआ था? ढाका बांग्लादेश में। अध्यक्षता किसने किया था? शेख हसीना ने किया था। और थीम क्या था? तो शांति समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये आपका यहाँ से यहाँ आएगा, शिखर सम्मेलन जो है G7 शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ था? हिरोशिमा में जापान में। और अध्यक्षता किसने किया था? जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, याद रखिएगा फुमियो किशिदा ने किया था। मुख्य बिंदु क्या था? कि पर्यावरण संरक्षण के लिए 2025 तक विश्व स्तर पर न्यूनतम उत्सर्जन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। और 50वां सम्मेलन कहाँ होगा? या 24 में, ये 23 में सम्मेलन अगर हिरोशिमा में हुआ था तो 24 में सम्मेलन कहाँ होगा? इटली में होगा, याद रखिएगा। पूरे विश्व में सबसे पहले परमाणु बम कहाँ गिरा था? तो हिरोशिमा में गिरा था, याद रखिएगा 1945 में। किस डेट को गिरा था बताइए, अगस्त कौन सा डेट था? इसके बाद ये आप याद रखेंगे एक लाइन में कि 23वां SCO शिखर सम्मेलन जो है कहाँ हुआ? भारत में। और कोप सम्मेलन 2023 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में। और नाटो शिखर सम्मेलन 23 याद रखिएगा लिथुआनिया में। और विश्व आर्थिक मंच 2023 का आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में, ऐसे डायरेक्ट याद रखिएगा। और विश्व आर्थिक मंच का थीम क्या था? तो थीम था कोऑपरेशन इन जो है फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। तो इसी के साथ ही ये क्लास समाप्त करते हैं। तो जो लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ना किए हो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप मिलता रहे। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। 1 मॉडल पेपर में 30 प्रश्न हैं, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का YouTube पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है। परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है।
जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बायलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है GKGS पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने GKGS के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस PDF5 टेस्ट, और 2014 से 21 तक सालवर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।